नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी है धूप जिंदगी, कभी है छांव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दांव। जाने जमाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। दोस्तों, हमारी इस प्रस्तुति मंदिर दर्शन में मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे इस भारतवर्ष के छोटे एवं बड़े शहरों में, और उन शहरों के जैन मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। तो चलिए दर्शन की शुरुआत करते हैं। वह जिंदगी की टीम देश के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन करा रहा है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुँची विश्व प्रसिद्ध शहर आगरा में। आगरा में हमारी टीम ने विश्व के 7वें अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल को भी देखा। इसके बाद हमारी टीम पहुंची बेलनगंज स्थित कचौड़ा बाजार की पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। वहाँ जिंदगी का यही प्रयास है कि घर बैठे हर शहरों के जैन मंदिरों का आप सबको दर्शन कराए, और इसी क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम पहुंच चुकी है आगरा। अभी मैं खड़ी हूँ कचौड़ा बाजार बेलनगंज जैन मंदिर के सामने, तो चलिए हम लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पर भव्य रूप से एक जैन मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें कई तीर्थंकरों की प्रतिमा विराजित है। यहाँ पहुंचकर हमें काफी शांति का अनुभव हुआ। यह मंदिर काफी प्राचीन है। आगरा आने वाले लोग इस मंदिर का दर्शन अवश्य करते हैं। अगर आपने अभी तक बेलनगंज स्थित कचौड़ा बाजार मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज ही कचौड़ा बाजार आइए और इस भव्य मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। 28 अगस्त 2011, आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे, हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 5 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई,
जैन रत्न इस शो के द्वारा देश की करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। एक दिन गुरुदेव के साथ इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। संरक्षण जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यह कोशिश, वह जिंदगी के टीम की यह कोशिश अच्छी लगी होगी। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में अगर ऐसे कोई जैन मंदिर है जिसे आप चाहते हैं कि हमारी वह जिंदगी की टीम आए, उस पर एक फिल्म बनाए और हमारे लाखों के जो दर्शक हैं उन्हें दिखाए, तो हमें बहुत खुशी होगी। आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपने अपने परिवार के सेहत का ख्याल रखिएगा, भगवान का नाम के साथ साथ समाज कार्य भी करते चलिएगा। जय जिनेंद्र, नमस्कार।